इन दिनों पीएम की सुरक्षा में सेंध के मामले ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि पीएम की सुरक्षा में चूक होने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा ये भी है कि आखिरकार पीएम की सिक्योरिटी पर इतना खर्च होता है, जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उठ जाएंगे। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में इतना होता है खर्च। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में दिए एक प्रश्न में लिखित जवाब में दी थी। जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया था कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिर्फ प्रधानमंत्री को सुरक्षा देता है। इसके अलावा देश के 56 VIP हस्तियों की सुरक्षा का जिम्मा CRPF का है। रेड्डी ने बताया कि SPG कानून में संशोधन के बाद नई व्यवस्था के तहत SPG सिर्फ प्रधानमंत्री और उसके साथ रह रहे परिजनों को ही सुरक्षा देगी। SPG के लिए बजट में किया गया इजाफा। यही नहीं, एक बार संसद में ये सवाल बजट में SGP सुरक्षा के लिए आवंटित फंड में 10% का इजाफा करने पर किया गया। बताने के साल 2020-21 के लिए SPG में 592.55 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया है। 2019-20 के बजट में SGP के लिए 540.16 करोड़ रुपए का फंड आवंटन किया गया था। तब 4 लोगों को SPG सुरक्षा मिली थी, यानी पिछले साल एक व्यक्ति की सुरक्षा में 135 करोड़ रुपए का खर्च आता था। इसका मतलब है कि इस साल प्रति व्यक्ति SPG सुरक्षा में करीब 30-40% की बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो PM की सुरक्षा का खर्च सुनकर ही आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। इन दिनों PM की सुरक्षा में सेंध के मामले ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि PM की सुरक्षा में चूक होने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा ये भी है कि आखिरकार PM की सिक्योरिटी पर इतना खर्च होता है, जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उठ जाएंगे। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में इतना होता है खर्च। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में दिए एक प्रश्न में लिखित जवाब में दी थी। जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया था कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिर्फ प्रधानमंत्री को सुरक्षा देता है। इसके अलावा देश के 56 VIP हस्तियों की सुरक्षा का जिम्मा CRPF का है। रेड्डी ने बताया कि SPG कानून में संशोधन के बाद नई व्यवस्था के तहत SPG सिर्फ प्रधानमंत्री और उसके साथ रह रहे परिजनों को ही सुरक्षा देगी। SPG के लिए बजट में किया गया इजाफा। यही नहीं, एक बार संसद में ये सवाल बजट में SGP सुरक्षा के लिए आवंटित फंड में 10% का इजाफा करने पर किया गया। बताने के साल 2020-21 के लिए SPG में 592.55 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया है। 2019-20 के बजट में SGP के लिए 540.16 करोड़ रुपए का फंड आवंटन किया गया था। तब 4 लोगों को SPG सुरक्षा मिली थी, यानी पिछले साल एक व्यक्ति की सुरक्षा में 135 करोड़ रुपए का खर्च आता था। इसका मतलब है कि इस साल प्रति व्यक्ति SPG सुरक्षा में करीब 30-40% की बढ़ोतरी हुई है। देखा जाए तो PM की सुरक्षा का खर्च सुनकर ही आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।